आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिसंबर 2024 के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। सबसे पहले इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं, तो वो इस समय जो करंटली लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। हाँ, ये आगे भी एक्सटेंड की जाएगी, तो लेकिन अभी 30 सितंबर 2024 करंट बात करें तो इस समय 30 सितंबर 2024 है। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। जिनको भी असाइनमेंट बनाना है, पहले उनको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ता है असाइनमेंट का, क्योंकि 100 नंबर का होता है असाइनमेंट। क्वेश्चन पेपर जो है आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, उस डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको असाइनमेंट नजर आएगा और वहां पर से फिर आपको अपना कोर्स से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है उसको डाउनलोड आप वहां पर से कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट कौन सा डाउनलोड करना है, किस ईयर का डाउनलोड करना है, तो आप दिसंबर 2024 का असाइनमेंट अगर बना रहे हैं तो आपको ऐसा असाइनमेंट डाउनलोड करना है कि उसमें या तो दिसंबर 2024 तक वैलिड है ये लिखा हो, या फिर वो जनवरी 2024 के सेशन का असाइनमेंट है ये चीज लिखी हुई हो। यानी कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो आपके लिए वैलिड असाइनमेंट है, आप उसको दिसंबर 2024 में बना सकते हैं। अगर लिखा हुआ है जनवरी 2024 का सेशन, या फिर लिखा हुआ है वैलिड टिल दिसंबर 2024, तो आप ऐसे असाइनमेंट को बना सकते हैं। आगे बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन होंगे किस किस तरीके से। तो दो तरीके अभी इस समय है, ऑनलाइन का है और ऑफलाइन का है। ऑफलाइन असाइनमेंट का सबमिशन का जो तरीका है वो हमेशा से इग्नू के अंदर होता आया है। लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन असाइनमेंट ही सबमिट होते थे, जो कि आपके स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जाकर आपको सबमिट करना होता था, और वो हार्ड कॉपी में होते थे। यानी कि पेन पेपर से आप असाइनमेंट बनाएंगे और उन्हीं असाइनमेंट को आप उन्हीं पेन पेपर में आप उनको सबमिट करके आ जाएंगे। यानी कि पेपर वाले जो असाइनमेंट होते थे आपके, जो आप फाइल्स में बनाते थे, उनको आपको सबमिट करके आ जाना था। लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट जब से लॉकडाउन आया, तो उसमें आप ईमेल आईडी के जरिए अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, या फिर गूगल फॉर्म के जरिए भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप इनको सबमिट कर देते हैं। इसकी जानकारी आपको आपका रीजनल सेंटर देता है, यानी कि रीजनल सेंटर बता देगा कि आपको किस तरीके से ईमेल आईडी आपको दे देगा, या गूगल फॉर्म का लिंक दे देगा। इस तरीके से आपको जितने भी इस रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है वो इस तरीके से अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करके आ सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है या कोई रीजनल सेंटर ऐसा है जिसकी तरफ से ये जानकारी ही नहीं दी गई है कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर ऑफलाइन सबमिट करना है, कि किसी भी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, तो उनको किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को आगे सबमिट करना होगा। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से इसके बारे में लिख के जानकारी दे दी है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी यही है, असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, चाहे ऑनलाइन बनाना है, ऑफलाइन सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है, असाइनमेंट पहले आपको प्रिपेयर करने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं। एक बार आपने असाइनमेंट बना दिए, उसके बाद आप वेट कर सकते हैं, किसी इग्नू के रीजनल सेंटर जो आपका है उसकी वेबसाइट में लगातार चेक करते रहिए और वेट कीजिए कि उनकी तरफ से कोई अपडेट आएगी, जो कि आप कम से कम मिड सितंबर तक तो आपको वेट करना चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट का ही ऐसे रीजनल सेंटर भी हैं जो कि अक्टूबर में जाकर आपको अपडेट देंगे कि अब आप यहां पर इस ईमेल आईडी में या फिर गूगल फॉर्म में अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। तो आप लेकिन कम से कम मिड सितंबर यानी कि 15-20 सितंबर तक तो जरूर वेट कीजिए आपके रीजनल सेंटर के द्वारा कोई अपडेट आने का। अगर कोई किसी भी तरीके की कोई अपडेट नहीं आ रही है आपके रीजनल सेंटर से, आपके स्टडी सेंटर से, तो आप सिंपल अपने स्टडी सेंटर जाइए और ऑफलाइन मोड में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। यानी कि अगर कोई अपडेट नहीं आए कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, तो उसका मतलब सिंपल है कि आप अपने स्टडी सेंटर जाइए और ऑफलाइन मोड में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके आ जाइए। तो इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट अक्टूबर में भी आ सकती है, तो ये बात की जानकारी होनी चाहिए। कई बार इग्नू के काफी सारे रीजनल सेंटर ऐसे हैं जो कि काफी लेट आपको ये जानकारी देते हैं कि उनको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।